आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने एंजल वन से किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP को चालू किया है और आप उसकी डेट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो आपने डेट सेट की थी अकाउंट से पैसे कटने की, उस डेट को आप बदलना चाहते हो, तो आप उसे कैसे बदलोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आप वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और आप भी अपनी SIP की डेट बहुत ही आसान तरीके से बदल पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप इस सेक्शन में आ जाएं, आपको यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा, मतलब आपने जितना आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जितनी उसकी वैल्यू हो गई होगी, जितना आपको रिटर्न मिला होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देख जाएंगी। साथ ही ये भी आप देख पाएंगे कि किस म्यूचुअल फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया है और किस म्यूचुअल फंड में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन SIP की डेट को चेंज करने के लिए आप यहाँ SIP के सेक्शन में आएंगे और जितनी भी आपकी एक्टिव SIP होंगी, मतलब जितनी SIP आपकी चल रही होंगी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। मैंने एक इस म्यूचुअल फंड में SIP को चालू किया है, एक SIP इसमें चालू है और एक इसमें। अब आप जिस भी SIP की डेट को बदलना चाहते हैं आपको उसी SIP पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और अब इसे डेट को चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ एडिट SIP पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसका अमाउंट घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं और आप इसकी डेट को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसका अमाउंट घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ से कर पाएंगे। आप जो भी रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर रख देंगे, लेकिन मैं इसका डेट यहाँ पर, मतलब अमाउंट नहीं बदलना चाहता हूँ, मैं इसकी डेट को बदलना चाहता हूँ। तो उसे बदलने के लिए आपको यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करना है। मैंने 1 तारीख को सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसको 20 तारीख को रखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी डेट को सेट कर लेना है। आपकी यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट बदल जाएगी, पहले 1 अक्टूबर थी, अब ये यहाँ पर नेक्स्ट महीने, मतलब अक्टूबर में, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में 20 तारीख को मेरे पैसे कटेंगे, पहले ये 1 तारीख को कटते थे। तो अब यहाँ पर इसे सेट करने के बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद अगेन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और आपकी जो डेट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट कटेगा, वो 1000 रुपये है, लेकिन जिस डेट को कटेगा वो 1 अक्टूबर से बदलकर 20 अक्टूबर सेट हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन ऐप के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड में चालू की गई SIP की डेट को बदल सकते हैं, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।